સૌથી પહેલા વાત કરીએ એફકોની ચૂંટણીને લઈને મતદાન ચાલી રહ્યું છે જેમાં અત્યાર સુધીમાં 125 મત પડ્યા છે જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે હજી પણ મતદાનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે એફકોની ચૂંટણી માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે ગુજરાતમાં ડિરેક્ટરની એક બેઠક માટે મતદાન ગુજરાતમાંથી કુલ 181 જેટલા મતદારો મતદાન કરવાના છે ત્યારે 125 મતદારોએ અત્યાર સુધીમાં મતદાન કર્યું છે વિપિન પટેલ અને જયેશ રાદરિયા વચ્ચે સીધી ટક્કર વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયા છે જી અજય જે રીતે ઇફકોની આ ચૂંટણી 125 જેટલા મત પડી ચૂક્યા છે અને હજી પણ મતદાન ચાલી રહ્યું છે 181 વોટર્સ છે કે જેઓ વોટ આપવાના છે શું વિગતો देखिए निश्चित तौर पे अभी के अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 125 से ज़्यादा वोट हो चुके होंगे क्योंकि कई सारे लोग अभी लाइन में थे कुल 181 सदस्यों को वोट करना है लेकिन 125 से ज़्यादा लोगों का वोट आधा घंटा पहले तक पड़ चुका है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल ही इफको के चेयरमैन के पद का चुनाव होना है और कल कुल 21 जो डायरेक्टर हैं जिसमें आज 7 डायरेक्टर का चुनाव होना है ये भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कल इफको के चेयरमैन चेयरपर्सन का जो है वो चुनाव होना है और खास करके दिलीप संघाणी कहा जा रहा है कि उसमें अपनी दावेदारी पेश करेंगे अगर कोई दूसरा कैंडिडेट दिलीप संघाणी की दावेदारी को अगर चैलेंज करता है तो निश्चित तौर पर चुनाव होंगे वरना दिलीप संघाणी हो सकता है कि निर्विरोध इस चुनाव को जीते लेकिन आज पूरी वोटिंग कैसे चल रही है उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों से वोट करने के लिए आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं अच्छा आप लोगों के सामने दो कैंडिडेट हैं एक साइड में विपिन पटेल हैं दूसरे साइड में जयेश राडाणी हैं हालांकि विपिन पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है तो ऐसे में आप लोग किस पैटर्न को देख करके वोटिंग कर रहे हैं અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં નેતા અમારે જયેશભાઈ રાદડિયા છે સહકારીના કોઈપણ કામકાજ હોય ખાતર હોય બેંકના પણ એ ચેરમેન છે અમારા આરડીસી બેંકના એટલે ખેડૂત લક્ષી કામ અમને બહુ લોકલ કામ આવે અમને જયેશભાઈ એટલે અમે જયેશભાઈની જ મત આપી આપ બતાવીએ એ કામ અચ્છા કરતા આપ બતાવીએ જયેશ રાદડિયા આપ બતાવીએ જયેશ રાદડિયા આપ જયેશભાઈ રાદડિયા તો સબલો સૌરાષ્ટ્ર હી આતે હૈ સૌરાષ્ટ્ર तो उधर तो काफी दबदबा है जयेश रदड़िया आज का बहुत दबदबा है दिन कहा जा रहा है कि विपिन पटेल भी काफी चैलेंज कर रहे हैं नहीं 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 उनका नहीं एक तरफा है एक तरफा है एक तरफा आप लोग कितने लोग आए हैं सौराष्ट्र से सौराष्ट्र से लगभग समझो ना कहला 65 68 तो अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि इन्हीं दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ये सामने जो आपको इफको की बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसी बिल्डिंग के ठीक बगल में एक होटल है और एक कैंडिडेट इसमें जो है गुजरात से उनकी तरफ से उस होटल एक होटल है उसमें 50 कमरे बुक किए गए थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि 100 लोग उसमें आएंगे लेकिन 55 लोग ही आए इसी से माना जा रहा है कि जो जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर खड़ा किया है उसका पलड़ा थोड़ा यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है क्योंकि अधिकतर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो जो अधिकतर सौराष्ट्र के लोग हैं सब जयेश रादड़िया के समर्थन में अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने की वजह से इनकी मजबूरी नहीं है ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन पार्टी लाइन पे वोट करना इनकी कोई मजबूरी नहीं बल्कि ये देखेंगे कि कौन उनके हित में काम कर रहा है उसके हिसाब से वोट करेंगे अच्छा आप लोगों को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है आप लोग अगर पार्टी लाइन से इतर जाकर वोट करेंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं नाराज होगी नहीं ऐसा नहीं है जो हमारे गौलोकवासी विठल भाई रादड़िया है ना उसने जो छोटे जो उसने पाया बोलते हैं उसको टूक में पाया ना जो खेडूत ना जो बधे से ने ये बधे जयेश भाई रादड़िया ने जापशे अने पार्टी नी बाहर नहीं गया पार्टी नी साथे रही अने बधी बातचीत करी अने जेटला खेडूत छे ने जय विठल भाई रादड़िया ने पोतानी જે કહેવાય ને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે એ રીતના જયેશભાઈ રાદડિયાને જ માને છે અને જયેશભાઈ રાદડિયાનું કામ એવું છે કે પોતે રિયલી જમીની માણસ છે પોતે વ્યક્તિગત જ્યાં જઈ ગામડામાં ખેડૂત પાસે જાય છે ત્યાં જે એની સાથે સુખ દુઃખની વાતો કરે છે અને જે કાંઈ પ્રશ્ન હોય ને એ તાત્કાલિક એનું નિવારણ કરે છે અને પોતે ખેડૂત છે એક ઓર ચીજ બતાવીએ કે કલ इफको के चेयरपर्सन का भी चुनाव है निश्चित तौर पे दिलीप संघाणी उसमें खड़े हो रहे हैं आप लोग किसके सपोर्ट में हैं कोई दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है या दिलीप संघाणी ही ने दिलीप जी वो भी वो ए पण खेडूतना दीकरा छे अने आटला एवोर्ड मळ्या छे छेल्ला घणा वर्षो सतत 15 वर्षथी
अपने इप्कोनी अंदर दिलीप भाई जयेश भाई विठल भाई एमने खूब एवॉर्ड मिले छे। एनुं कारण छे के कारण के जे खेडूतने लगतो प्रश्न होय हमेशा एमने वाचा आपे छे। तो आप लोगों को लगता है